तो आज हम लिब्रे ऑफिस में राइटर डॉक्यूमेंट, ये देखिए ये है राइटर डॉक्यूमेंट, दिखाओ। फिर एक एलसी स्प्रेडशीट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये तीन डॉक्यूमेंट है हमारे पास, तो इन सभी में जो फाइलें सेव होती हैं, उन सभी के एक्सटेंशन देखेंगे कि इनके एक्सटेंशन क्या होते हैं फाइल को सेव करने के बाद। तो पहले हम चेक करते हैं राइटर डॉक्यूमेंट में किसका एक्सटेंशन क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए हम सिर्फ एक सेंटेंस लिख देते हैं कि दिस इज राइटर डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक। तो ये हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिए। यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन या जो भी फॉर्मेट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इसके बाद हम इसे सेव करते हैं। ये फाइल मेन्यू है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी मेन्यू बार है, ठीक है। इसमें हमें फाइल मेन्यू में जाना है। फाइल मेन्यू में हमें सेव ऑप्शन पर जाना है, जिसकी शॉर्टकट की क्या है बताओ सब लोग? कंट्रोल एस। तो इसको सेव कर लेते हैं, इसे डेस्कटॉप में ही सेव करते हैं, ठीक है। ये देखिए डेस्कटॉप का ऑप्शन है, इसको किसी भी राइटर नाम से ही सेव कर लेते हैं, है ना। राइटर, सिर्फ हमने राइटर लिखा है, एक्सटेंशन नहीं लगाए हैं, ठीक है। अब इसे सेव कर लेते हैं, ठीक। अब देखो ये फाइल सेव हो चुकी है। सबसे ऊपर की जो बार है, यहाँ दिखाओ, सबसे ऊपर की ये जो बार रहती है, ये कौन सी बार रहती है बताओ सब लोग? टाइटल बार रहती है। टाइटल बार, यहाँ फाइल का क्या दिखता है? नाम, है ना। तो चलो अब इसको देखते हैं कि ये एक्सटेंशन आया कहाँ पर है, ठीक है, मतलब अपनी फाइल कहाँ सेव हुई है। ये देखो राइटर नाम से बनाए थे हमने डेस्कटॉप में, तो डेस्कटॉप में आईकॉन बन के ये आ गया है। अब इसको चेक करना है कि भाई ये इसका एक्सटेंशन क्या है। तो इसके लिए हमें राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टी में जाना है, प्रॉपर्टी में जाने के बाद डिटेल्स में जाना है, ठीक। डिटेल्स में देखो आया क्या नाम, ये देखो फाइल का नाम ये दिख रहा है, और ओडीटी का फुल फॉर्म ये दिखाई दे रहा है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ठीक। इसी तरीके से हम कैलसी स्प्रेडशीट और इम्प्रेस प्रेजेंटेशन की फाइल को चेक करेंगे। इसको क्लोज कर देते हैं यहां से। देखो जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं यहां पर शो हो जाता है ना, यहां से आप इसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। क्लोज करूं,